भैया हनुमान जी लंका में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन लंका में पहुंचने के बाद हनुमान जी जब तुलसी का पौधा देखते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर तुलसी का पवित्र पौधा कहाँ से आ गया। और तुलसी का पवित्र पौधा ही नहीं देखते हैं, साथ में एक ऐसा घर देखते हैं जिस घर के ऊपर राम जी के बाणों के चिन्ह बने हुए थे। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखि हरस कपिराय। इससे हमें ये संकेत मिल रहा है कि अगर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होगा तो संत का आगमन होगा। पता नहीं लेकिन आजकल लोग क्या लगाते हैं, वो मनी प्लांट, क्रिसमस ट्री, लेकिन तुलसी का पौधा लगाओगे तभी संत का आगमन होगा। एक बार कहे तो जय सियाराम। अब हनुमान जी महाराज जब लंका में तुलसी का पौधा देखे तो मन में विचार किए कि लंका में कौन सा भक्त रहता है। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, आप लोग दर्शन करिए। हो लंका निसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ से जन कर बासा, मन बहुत दर्द करे कपिलासा, यही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सहजन चीन्हा। जय सद हट करी हौं पहिचानी, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। कर प्रणाम पोछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए। लंका में विभीषण जी थे जो कि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, और आप लोग तो जानते हैं कि राम जी के इतने बड़े भक्त विभीषण जी हुए कि राम जी ने उन्हें अजर अमर का वरदान दे दिया, और विभीषण जी अभी तक कलयुग में हैं और लंका में रहते हैं। एक बार कह दीजिए जय सियाराम। जय सियाराम। हाँ, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सहजन चीन्हा। जय सद हट करि हौं पहिचानी, साधु होइ कारज हारे। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। कर प्रणाम पोछी कुशलाई, की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। की तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुण ग्रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हो पवन सुत रहनी हमारी, जीवे दसनी नम हो जीव बिचारी। तात कब हो वही जानी अनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। ताम सतनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु परीति, करहि सदा से वक पर प्रीति। देखिए, लोग आजकल सोचते हैं कि उनके पास पैसा रुपया है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन भैया एक बात जीवन में याद रखिएगा, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन संतों का साथ कभी नहीं खरीद सकते। क्योंकि तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आपके ऊपर जब तक हरि की कृपा नहीं होगी आपके घर में संत का आगमन नहीं होगा, है ना भैया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कहो पवन मैं परम कुलेना, कपि चंचल सब ईबे देना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा।
कथा में सखा सुनो मोह पर रघु पीर कृपा सो मेरे गुना भर दिलो साथ में मंगल भवन अमंगलहारी द्रव्य भूषण दशरथ अजीर बिहारी जानत हो यस स्वामी बिसारी विरहित काहे न होए दुखारी यही वेद कहत राम गुण ग्रामा पावायनीय वाच विश्रामा सब कथा विभीषण कहे जेहि विधि जनक सुतात रहे हनुमत कहा सुनो भ्राता जय जय देखी जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई सोई रूप गयो कुनिता हमा अशोक सीता रह जहवा देखी मन ही महुकीन प्रणामा बैठी बीती जात निश जामा जिस तन शीश जटा एक बेनी शपथ हृदय रघुपति गोट से मंगल भवन अमंगल हारे द्रव्य भूष दशरथ आज बिहारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रव्य भूष दशरथ आज बिहारे निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुता देख जान के देना मंगल भवन मा मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे पल्लव मुरहा लुकाई करई विचार करो का भाई नहीं अवसर रावण तहरावा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीतई समुझावा श्याम दान भय भेद दिखावा रावण सुन सुमुख सयावा अंदोर रे आगे सब राले तब अनुचरी करो मन मोरा एक बार बिलो कुम मोरा जिम्मेदारी ओट प्रभु की नलिनी करई विकासा अस मन समझो बहुत जान के संसुद नहीं रघु देर पाने सत सोने हरियाने मोहे अधम निलज लाज नहीं तोहे